हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी आरपीएससी की एटीपी एग्जाम है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे जा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो मैंने एक सीरीज चलाना, इस वीक में हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग रिलेटेड जो भी पार्ट बी है आपका एटीपी के सिलेबस का, उससे रिलेटेड हम थोड़े से क्वेश्चंस लेंगे और वो किस तरह से सॉल्व किया जा सकते हैं इन लेसर टाइम, वो मैं आपको बताऊंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ जयपुर फॉलोज। देखिए, पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, मतलब जैसे ही जयपुर आ गया उसका प्लानर कौन है, वो किस पैटर्न में बना है, वहां पे रोड किस तरह से है, कौन से प्रिंसिपल पे बना है, जैसे वो शिल्प शास्त्र के प्रिंसिपल पे बना है, 3x3 के ग्रिड्स है वहां पर, ह्यूमन पूरा जो अपना ब्रह्म शास्त्र है उस हिसाब से ये पूरा प्लान बना है। सो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ के रोड्स फुल ऑन ग्रिड आयन पैटर्न में जाते हैं। सो आपको जैसे ही जयपुर आ गया उसका प्लानर पता होना चाहिए, मतलब ये तो एक पैटर्न हुआ क्वेश्चन का, बट इसी के साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि उसका प्लानर कौन है, फिर वो कौन से प्रिंसिपल के आधार पे बना गया है, तो शिल्प शास्त्र विल बी द आंसर, ग्रिड आयरन पैटर्न रोड का पैटर्न था वहां पर। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया उसमें हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। एक दो क्वेश्चंस आपको आपके इसमें मिलेगा ही FAR, या फिर आपको अभी अकॉर्डिंग टू न्यू बायलॉज इट इज बिल्ट अप एरिया रेशियो। सो देखिए, इफ द प्लॉट एरिया इज 5000 स्क्वायर मीटर, विच इज, देखिए बहुत कॉमन सेंस और बहुत इजी वे में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका प्लॉट एरिया है 5000, ठीक है, आपका प्लॉट एरिया है 5000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब देखिए कॉमन सेंस कि अलाउेबल BAR इज 2.5, मतलब क्या कि आपके पास बिल्ट अप एरिया रेशो कितना है, 2.5, मतलब भले ही आपका प्लॉट एरिया 5000 स्क्वायर मीटर का हो, बट ड्यू टू BAR एज अ 2.5, हम यहाँ पे टोटल बिल्ट अप कितना कर सकते हैं, हम यहाँ पे टोटल बिल्ट अप कितना कर सकते हैं, 5000 × 2.5। क्लियर है, क्लियर है ये पॉइंट, 500 × 25 दैट इज 125,000, ठीक है, बहुत इजी, बहुत इजी। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है, अलाउेबल ग्राउंड कवरेज इज 50%, मतलब आपका अगर प्लॉट 5000 का है तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा प्लॉट पे 100% कवरेज कर लेंगे। क्या कहा गया है कि ग्राउंड कवरेज 50% ही होना चाहिए, मतलब क्या ये 5000 के ग्राउंड फ्लोर पे आप सिर्फ 2500 ही बना सकते हो, मतलब क्या बाकी का बचे हुआ किधर बनाना, ऊपर 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 के फ्लोर पे बना सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। सो अब बात क्या हुई है, आप टोटल बना रहे हो 125,000 पर आपको 2500 ही अलाउड है ग्राउंड फ्लोर पे। कॉमन सेंस, अगर 2500 पहले फ्लोर पे अलाउड है तो नेक्स्ट फ्लोर पे 2500, 5000 हो गए, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, इट मींस अगर आप इसको 2500 से डिवाइड कर लोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। एकदम इजी है, एकदम इजी है, बहुत इजी है। चलो हम नेक्स्ट भी करके देखते हैं और शायद आपको ये बहुत इजी आ जाए। देखिए 4000 का आपका स्क्वायर स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, ठीक है, 4000 × अगर आप 1.25 करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 40 × 125, 125 ये जा 55000, ठीक है, बट पूरा का पूरा हम बना नहीं सकते हैं, इसका सिर्फ 40% ही अलाउड है, इसका सिर्फ 40% ही अलाउड है, मतलब 1600 स्क्वायर मीटर ही सिर्फ हम बना सकते हैं। तो अगर आप 5000 को 1600 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा तो नहीं जाता है, बट यहाँ आपको पता चल जाएगा कि 3 point something आता है। सो मैक्स टू मैक्स यू कैन कंस्ट्रक्ट 3, ठीक है, उसके ऊपर का उसके सॉरी 3 और उसके ऊपर में एक और जितना भी बिल्टअप बचा है वो, सो मैक्स टू मैक्स यू कैन कंस्ट्रक्ट 4 floors, बचे हुआ जो भी है वो आप ऊपर बनाओगे। सो दिस इज हाउ यू डील विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और ये पक्का आपको पेपर में एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिलेगा।
ठीक है, अब देखिए, भुवनेश्वर वॉज प्लान्ड इन 1946, बट हु वॉज द आर्किटेक्ट? ऑटो पॉइंसबर्गर इज द आर्किटेक्ट. यहाँ पर मैंने चार्ट दिया है कि कौन चंडीगढ़ किसने बनाया, रॉबर्ट गुडविन ने क्या किया है, सर बेनेंजर रॉबर्ट ने क्या किया है, हिप्पोपोटामस ने क्या. ये पूरा चार्ट आपको अगर आप यह लर्न रखते हो तो प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक क्वेश्चन पक्के से यहाँ पर आ सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर यू आर डी पी एफ आई गाइडलाइंस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड फॉर प्राइमरी स्कूल रिक्वायर्ड इज. अगर आप देखो, देखिए कैसे याद रखना है. प्री प्राइमरी छोटे बच्चे होते हैं, 2,500 के पॉपुलेशन के लिए एक स्कूल दिया जाता है. तो ये 2,500 जो है ये प्री प्राइमरी का क्राइटेरिया, बट वही 5,000 जो है वो प्राइमरी स्कूल का क्राइटेरिया है. आपको क्वेश्चन में प्राइमरी स्कूल पूछा गया था, सो द आंसर इज 5,000. ये जो चार्ट है पूरा यू आर डी पी एफ आई गाइडलाइंस में का, ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, द नेक्स्ट इज, विच इज द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्टैंडर्ड मास्टर प्लान डॉक्यूमेंटेशन. अब देखिए यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं. जब मास्टर प्लान डॉक्यूमेंट्स फॉर द सिटी, अब जब भी आप आपके म्युनिसिपैलिटी एक्ट में अगर चैप्टर नंबर 11 से पढ़ोगे तो वहां पर आपको मास्टर प्लान, अर्बन डेवलपमेंट प्लान, एनुअल प्लान, प्रोस्पेक्टिव प्लान, इन सब के बारे में डिटेल में कैसे बनाते हैं, लोगों के सजेशन, ऑब्जेक्शंस, ये सब कुछ चीजें वहां डिटेल में एक्सप्लेन की गई है. मैंने आपको लेक्चर्स में पूरा म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009 डिटेल में पढ़ाया. चैप्टर नंबर 11 से पढ़िए, मतलब पहले का हर कोई पढ़ाता है, पर चैप्टर नंबर 11 से पढ़िए, प्लानर पॉइंट ऑफ व्यू वही से सब चीजें काम की है. ठीक है, सो जब भी आप मास्टर प्लान डॉक्यूमेंट देते हो, इसके साथ आप क्या देते हो? ईएलयू देते हो, पीएलयू देते हो, बेस मैप होता है, और जो भी अलग अलग मैप्स लगेंगे उसको वो देते हैं. बट उसके साथ साथ सबसे लास्ट पॉइंट है बायलॉज. जो भी बिल्डिंग बायलॉज है वो उसके साथ साथ आपको पब्लिश करना होता है. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. सो यस, बायलॉज इज द आंसर. द मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर द मास्टर प्लान डॉक्यूमेंट फॉर द सिटी इज बायलॉज. ठीक है, पढ़ लीजिए, चैप्टर नंबर 11 पक्का पढ़िए. द ओरिजिनल फैन शेप मास्टर प्लान फॉर चंडीगढ़ वॉज गिवन बाय. देखिए इसमें कंफ्यूज मत हुई है, वो कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि ली कार्बोजियर, और मतलब हमें स्टार्टिंग से जब से हम पढ़ रहे हैं कि भाई चंडीगढ़ इज ली कार्बोजियर, नहीं, पहले अल्बर्ट मेयर थे जिन्होंने फैन शेप का प्लान दिया था चंडीगढ़ के लिए. फिर उनकी एरोप्लेन एक्सीडेंट में डेथ हो गई और ऐसा कुछ होकर फिर वहां से काम ली कार्बोजियर को दे दिया गया. बट रेस्ट ऑफ द थिंग, ये चीज अल्बर्ट मेयर ने ही की थी पहले ही, और ये फैन शेप का एक था जिसके अंदर सुपर ब्लॉक्स, लार्ज पार्स और सीबीडी, मतलब सेंटर में ऐसा सब कुछ डिटेल में दिया गया था, और वो प्लानर का नाम था अल्बर्ट मेयर. सो यस, सी इज द आंसर. वेयर वॉज द फर्स्ट बीआरटीएस स्टार्टेड इन इंडिया? देखिए बीआरटीएस इज, मतलब आप सबको अब इन सब में डिफरेंस पता है, बीआरटीएस, मोनोरेल, मेट्रो रेल, कौन कब कहाँ दी जाती है. ठीक है, अब बीआरटीएस अगर क्वेश्चन रहता कि सक्सेसफुल किधर है तो आंसर शुड बी अहमदाबाद, क्योंकि अभी भी वर्किंग कंडीशन में रिंग रोड पे अहमदाबाद पे वर्किंग कंडीशन में है. बट इट इज गिवन दैट द फर्स्ट फर्स्ट बीआरटीएस स्टार्टेड इन इंडिया वाज इन 2006 इन पुणे. सो आंसर शुड बी पुणे. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है. अब देखिए V7 कंसेप्ट गिवन बाय ली कॉर्बूजियर रेफर्स टू. अब ये V7 क्या था? तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ कि ये जो भी ली कॉर्बूजियर का प्लान था तो उनका कहना था अर्बन रोड्स, वेहिकुलर रोड्स, शॉपिंग स्ट्रीट, डिस्ट्रीब्यूशन रोड्स, रेसिडेंशियल रोड, पेडेस्ट्रियन रोड, देखिए हायरार्की नीचे नीचे आते जा रही है, और इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था इन द पैटर्न ऑफ V1, V2, V3, V4, V5. सो इसका मतलब क्या हुआ? रोड पैटर्न्स डिस्क्राइब किए हैं इन द फॉर्म ऑफ V1, V2, V3. जैसे हम आर्टेरियल रोड, सब आर्टेरियल रोड ऐसा कहते हैं. सो यस, हायरार्की ऑफ द रोड इज डिस्क्राइब बाय V7 कंसेप्ट. ठीक है, क्लियर है, आई होप सबको यहाँ तक क्लियर है. अब देखिए नेक्स्ट, अ लोकल अथॉरिटी कैन गो फॉर द अर्बन डेवलपमेंट यूजिंग. इस चीज के लिए आपको यूआरडी पीएफआई भी अच्छे से पढ़ना है,
इस चीज के लिए आपको आपका म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2009 भी अच्छे से पढ़ना है। देखिए, मैंने एक मास्टर प्लान बनाया, मैंने वहां पर रिजर्वेशंस दिए। अब वो रिजर्वेशंस वहां के कंपोनेंट अथॉरिटी को बिना डेवलप किए कुछ नहीं हो सकता है, आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। वो डेवलप करने के अपने पास टूल है, एक है लैंड एक्विजिशन की, भैया लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट 2013 से जो कुछ उनका कंपनसेशन होता है उसको कंपनसेशन पे कीजिए और वो लैंड एक्वायर कीजिए। नेक्स्ट है आपका लैंड पूलिंग, आपके पास एक्ट है खुद का लैंड पूलिंग स्कीम का, उसके अंदर आप क्या करते हो, रिकंस्टिट्यूट करते हो प्लॉट को, और जहां पे भी एक्विजिशन ना करते हुए आप डायरेक्टली उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द प्लॉट कैन बी डन थ्रू दी लैंड पूलिंग। सो लैंड पूलिंग भी से भी आप अर्बन डेवलपमेंट कर सकते हो। द नेक्स्ट इज टीडीआर, मतलब अगर भैया किसी अथॉरिटी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेंगे, उनको उसके बदले में आपको टीडीआर देंगे, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, और फिर वो आपसे बाय किया जाएगा। मतलब रादर देन गिविंग अ मॉनिटरी टर्म, दे विल ऑफर यू फॉर द ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। सो यस, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सब ही टूल्स है टू इम्प्लीमेंट दी डी। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following was not included in URDPFI guidelines for urban development? देखिए, अगर आप URDPFI, in fact, अगर आप आपका म्युनिसिपैलिटी एक्ट का फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन ही पढ़ोगे, मतलब फर्स्ट सेक्शन है ना, चैप्टर 11 का पहला सेक्शन अगर पढ़ोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि इट इज मैंडेटरी टू हैव एन एनुअल प्लान, प्रोस्पेक्टिव प्लान, डेवलपमेंट प्लान, बट URDPFI में कहीं भी सिटी डेवलपमेंट प्लान नहीं है, बिकॉज CDP इज एन एक्सक्लूसिवली JNNURM के थ्रू किया गया। हाँ, बट देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, आपके म्युनिसिपैलिटी एक्ट में सिटी डेवलपमेंट प्लान दिया गया है। सो क्वेश्चन क्या है कि URDPFI में क्या नहीं इंक्लूड किया है, तो यस, CDP इंक्लूड नहीं है, बट इफ यू विल गो फॉर द म्युनिसिपैलिटी एक्ट, बट उसमें CDP है। सो URDPFI में क्या इंक्लूड नहीं किया गया, सो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग द अर्बन एरिया? देखिए, डेमोग्राफी से तो होता ही है भैया, मतलब ये तो कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है, नॉट पूछा है। सोशियो इकोनॉमिक, जैसे अगर हम डिलिनिएशन ऑफ एरिया करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं कि जयपुर में हायर इनकम ग्रुप लोग रहते हैं, छोटे छोटे गांव में आओगे आप तो लोअर इनकम ग्रुप, तो यस, सोशियो इकोनॉमिक भी एक्टिविटी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, यस भैया ये तो है ही कि भैया जहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होनी चाहिए, काउंसिल का होनी चाहिए, बोर्ड का होनी चाहिए, नगर पंचायत का होनी चाहिए, ये हम इसी चीज से तो डिफाइन कर सकते हैं। सो यस, एडमिनिस्ट्रेटिव भी क्राइटेरिया है डिफाइनिंग द अर्बन एरिया, बट हाँ, हाउसहोल्ड साइज, किसी के घर में दो लोग रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं, इट डजेंट मैटर कि अर्बन एरिया में भैया दो ही लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है, है ना? सो यस, द आंसर इज हाउसहोल्ड साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी प्लान? स्टैट्यूटरी मतलब क्या, लीगल प्लान, लीगल मतलब क्या, बाइंडिंग प्लान। ठीक है, सो यस, डेवलपमेंट कंट्रोल प्लान इज अ बाइंडिंग प्लान, आरपी बनाना इज अ बाइंडिंग प्लान, मास्टर प्लान बनाना इज अ बाइंडिंग प्लान, बट वेयर एज सीएमपी बनाना इज एन ऑप्शनल। ये किसी भी एक्ट में नहीं लिखा है कि यू हैव टू कंपल्सरीली डू दी सीएमपी फॉर द सिटी, सो आंसर इज सी। ठीक है, अब देखिए एसडीजी के बारे में, ये आप पूरा लर्न ही कर लीजिए, पूरे 17 गोल्स की एसडीजी आ गया तो 17 गोल्स हमें लर्न है। सो यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कितने गोल्स हैं, तो 17 गोल्स आर देयर, सो आंसर इज 17। व्हाट इज द नंबर ऑफ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल व्हिच इज एसोसिएटेड विद अ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन? अभी हम वापस ऊपर जाके देख सकते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6 नंबर का गोल है। सो यस, दिस इज द 6 नंबर गोल। यहाँ पर आज मैंने आपके साथ पूरे 15 MCQs डिस्कस किए हैं, उसके आंसर्स डिस्कस किए हैं, और किस तरह के से पढ़ाई कर सकते हो आप, ये भी डिस्कस किया है। सिमिलरली, कोई अपने पास बहुत ही कम टाइम पीरियड बचा है, सो वी हैव लॉन्च्ड अ वन शॉर्ट
मतलब सिर्फ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे ओनली फॉर द पार्ट बी, और पूरे पार्ट बी के जितने भी हमारे क्लासेस हुए हैं उन सब की आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी ओनली 5,500 में, जिसके अंदर बुक्स और टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। साथ साथ में इफ यू वांट टू गो फॉर ओनली फॉर द टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द ऐप। जो ऐप के लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ में आप सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, विच इज जस्ट ऑफ द 1,000 रुपीज। सो इस तरह से अगर आपके पास अभी कम टाइम बचा है और आपको पार्ट बी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट कल हम मिलेंगे विद अ डिफरेंट 15 MCQs। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।